أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعلي بن أبي طالب لائیو نہیں گیا اور تمام مومنین و مومنہ کی خدمت میں بسلسلہ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب حسن رضوی صاحب سے کہ بارگاہ امیر المومنین میں سلام پیش کریں. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حسنین نے جب باپ کا تابوت اٹھایا حضرت اور بدردا حسنین نے جب باپ کا تابوت اٹھایا واہ حسرت و دردا یوں زینب و کلثوم نے تب شور مچایا واہ حسرت و دردا زہرا کے تو مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی بے قصوے ہم بھی زہرا کے تو مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی بے قصوے ہم بھی سر پر سے اٹھا شیر الہی کا بھی سایہ واہ حسرت و دردا کوفے میں تو خاک اڑتی ہے یسرب ہوا ویران یا شاہ مدینہ کوفے میں تو خاک اڑتی ہے یسرب ہوا ویران یا شاہ مدینہ اے شاہ نجف تم نے نجف جا کے بسایا واہ حسرت و دردا اے شاہ نجف تم نے نجف جا کے بسایا واہ تو دردا نانا کو تو ہم رو چکے مادر کو بھی روئے بانا لاؤ زاری نانا کو تو ہم رو چکے مادر کو بھی روئے بانا لاؤ زاری بابا کے بھی تابوت یوں ہم کو رلایا واہ حسرت و دردا حسنین جب باپ کا تابوت اٹھایا واہ حسرت و دردا یوں زینب و کلثوم نے
तब शोर मचाया, वाह हसरतो दर्दा, हसनैन ने जब बाप का सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकअल्लाह हसन भाई। अब मैं गुजारिश करूंगा सलाम और मर्सिया के लिए जनाब माजिद रिज़वी साहब से कि बारगाह इमामत में हदीया मर्सिया पेश करें। एक चार मिसरे मीर दबीर के मैं पेश करता हूं पहले। जरूर जरूर। जब से निकल जाता है, जब नाम अली से निकल जाता है, गर को है मुसीबत हो तो टल जाता है, गर को है मुसीबत हो तो टल जाता है, क्या नाम है इस नाम के सदके हो दबी, क्या नाम है इस नाम के सदके हो दबी, गिरता हुआ इंसान संभल जाता है, गिरता हुआ इंसान संभल जाता है, जब नाम अली। एक दुरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। निकला जनाजा कोई अल्लाह के घर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अफलाक में एक शोर है, मातम के असर से, अफलाक में एक शोर है, मातम के असर से, निकला है जनाजा कोई अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा, अफसोस
के मस्जिद में नमाज़ी गया मारा, कुछ कम नहीं ये हश्र कयामत के असर से, कुछ कम नहीं ये हश्र कयामत के असर से, निकला है जनाजा कोई शबीर को याद आ गई, खुद अपनी सकीना शबीर को याद आ गई, खुद अपनी सकीना ज़ैनब को हटाया गया जब लाश पिदर से, ज़ैनब को हटाया गया जब लाश पिदर से, याद आ गया ज़ैनब का वो पहलू शिकस्ता, रुमाल हटाया गया बाबा के जो सर से, रुमाल हटाया गया बाबा के जो सर से, ज़ैनब से ये कह दो के वो दिल खोल के रोए, ज़ैनब से ये कह दो के वो दिल खोल के रोए, शबीर की हमशीर है रोने को न तरसे, शबीर की हमशीर है रोने को न तरसे, अब्बास जरा ज़ैनबे मुज़्तर से खबर दा, अब्बास जरा ज़ैनबे मुज़्तर से खबर दा, फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से, फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से, निकला है जनाजा कोई
हाँ भूल न जाना इन्हें कूफे के मकीनों, हाँ भूल न जाना इन्हें कूफे के मकीनों। गुजरेंगी ये शहजादियाँ इस राह गुजर से, गुजरेंगी ये शहजादियाँ इस राह गुजर से। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, निकला है जनाजा कोई। सलावात माजुद भाई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की वसीयत का एक जुमला के कोनो लिज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, के जालिम के मुखालिफ रहो और मज़लूम के साथी। इमाम अलैहिस्सलाम की जो पूरी वसीयत है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मुझे यकीन है कि मौलाना साहब भी ज़रूर इस बारे में इरशाद फरमाएंगे। इसके साथ मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नफीस हैदर तकवी से के मजलिस शहादत अमीरुल मोमिनीन से खिताब फरमाएं। رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، نورانی اور با کرامت کتاب قرآن مجید میں پروردگار عالم
पाए शर्तिया के साथ एक हुक्म को बयान फरमा रहा है कि फज कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मेरा शुक्र करो मेरा कुफ्र ना करो। अज़ीज़ाने ग्रामी, इस मौजू पे आपके खिदमत में मुतअद्दिद मकामात पर अपनी मारूज़ात को पेश कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ आज के इस मुतवर्रिक जिक्र को करने से पहले अल्लाह का ऐलान खल्के खुदा को सुना देना जरूरी है कि अल्लाह ने इस जुमले को इस शर्त के साथ बयान फरमाया है कि अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिक्र बेमानाए खास, कभी जिक्र आम होता है, कभी जिक्र खास होता है, कभी किसी खास वजह से जिक्र होता है, कभी मौजूए जिक्र ही वो जात होती है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसको याद किया जा रहा है। लेकिन यहां पर परवरदिगार आलम जिक्र खास की बात कर रहा है कि दुनिया में उसी को याद रखा जाएगा कि जिसने मुझे याद रखा है। अब इस बहस में पढ़ना कि अली मुर्तजा का जिक्र क्यों किया जाए, कितना किया जाए, कहां तक किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, इसके हुदूद अगर बयान किए जाएं तो फिर ये इंसाफ ना होगा। क्यों? क्योंकि अली मुर्तजा ने एक एक रात में हजार हजार तकबीरे परवरदिगार आलम की करके उसको याद रखा, चाहे वो इबादात के मामलात हों, चाहे वो मामलात के मामलात हों, इन तमाम मुकामात पर अली मुर्तजा ने हमा वक्त अल्लाह को याद रखा है, अल्लाह को नजर रखा है, अपनी नजर में निगाह में रखा है, अपने हर कौल को कहने से पहले, अपने हर बोल को बोलने से पहले, अपनी हर बात को अंदाज बयान करने से पहले, किसी जात से अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले, किसी जात से अपने मामले को आगे बढ़ाने से पहले, किसी जंग के मैदान में किसी दुश्मन पर वार करने से पहले, और अगर दुश्मन को यहाँ तक के तहे तेग करने का मौका आ जाए और उस वक्त भी अल्लाह को याद रखना, अजीजाने गिरामी, ये मामूली बात नहीं है। लिहाजा अली मुर्तजा ने हर बात को कहने से पहले अल्लाह को याद रखा, अपनी हर जात को पहचानवाने से पहले अल्लाह को याद रखा, और जब उसको याद रखा तो ये परवरदिगार आलम का तो ऐलान है कि अगर कोई मुझे याद रखेगा, मेरा जिक्र करेगा, तो मैं भी उसको याद रखूंगा। अब अजीजाने गिरामी, आप अंदाजा लगाइए कि जो लम्हे भर के लिए अल्लाह की याद से, अल्लाह की जात से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो, उसे अली कहते हैं। अजीजाने गिरामी, ये जो था जंग अहजाब में यूं ही नहीं कह दिया गया कि अज़रबत अली इब्न अबी तालिब अफजल मिन इबादत सकलैन के ज़र मिन यौमिल खंदक, अली मुर्तजा की योम खंदक पर चलने वाली एक ज़रबत जिन्नातों और इंसानों की इबादत से अफजल है। ये अफजल क्यों करार पा रही थी? क्योंकि तमाम के तमाम गुरोह ने खुदा के दीन के मुकाबले में आवाज उठाई थी। इसको जंग खंदक को जंग अहजाब भी इसलिए कहा जाता है कि तमाम हिजब, तमाम गिरोह जो अलग अलग इस्लाम से शिकस्त खा चुके थे, एक मर्तबा तमाम के तमाम लोग जमा हो गए थे, और जमा होने के बाद उन सब ने ये चाहा कि किसी तरह से रसूल इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए, दीने मुबीन की तालीमात को मिटा दिया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि लाने वाला नबी कोई आम नबी नहीं है, बल्कि नबी हर खास होता है, लेकिन ये खासम खास नबी है, नबियों का सरदार है, रसूलों का सरदार है, मुरसलीन का सरदार है। उसकी शख्सियत की और उसकी बताई हुई बात में इतना वजन था कि परवरदिगार आलम ने इस वजन को बाकी रखने के लिए कहा कि मेरे नबी,
ये वजन बाकी तब रहेगा जब आपके बाद आपका जानशीन भी बावजन हो और उसका वजन ऐसा हो कि अगर वो बोल दे तो वो होकर रहे और अगर वो कर दे तो कोई दूसरा उसको अंजाम ना दे सके। अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसे मौके पर कि जब के तमाम अहजाब अपनी अपनी ताकतों और कुव्वतों को लेकर आए थे, ताकत और कुव्वतों को अपने साथ लेकर आए थे, कोई शमशीर जनी का माहिर था, कोई तीरंदाजी का माहिर था, कोई शुजात में नाबेगा था, इसी तरह से अम्र इब्ने अब्दुवद को भी लाया गया था। अम्र इब्ने अब्दुवद ने आने के बाद मारा कम लेकिन दिखाया ज्यादा। जब वो खंदकें खोद दी गई थी और उन खंदकों को पार करके कोई आना ही सकता था, ऐसे में अम्र इब्ने अब्दुवद अपनी तमाम शुजात और अपने कमालात जो भी उसमें थे उनके साथ, वो निडर था, ये उसका कमाल था, वो शुजा था, बहादुर था, उसने अपनी बहादुरी का अंदाजा ये दिखाया कि उसने जो है ऊंट के बच्चे को जो है वो हाथ में उठा लेता था। और कहते हैं कि 40 तो मुबालगे में कहा जाता है, वरना कहते हैं कि 1000 लोग भी उसके मुकाबले में कम नजर आते थे। ऐसे मौके पर अम्र इब्ने अब्दुवद जैसा जो है मलऊन आता है और आने के बाद मुसलमानों को ललकारता है, मुसलमानों आओ कौन है जो मेरा मुकाबला करे, अगर मुझे मार दोगे तो गाजी कहलाओगे और अगर मर गए तो शहीद कहलाओगे, मुसलमानों आओ कौन है जो नबी के मुकाबले में। और वो इतना आगे बढ़ा, मुसलमान इतने पीछे हुए कि अम्र इब्ने अब्दुवद पैगंबर खत्म मर्तबत के खेमे की तनावों को काट देता है। ऐसे में रिसालत मुआब ने मुसलमानों को आजमाने के लिए आवाज दी, कहा कि कौन है मन ले हादल कल्ब, कौन है जो इस कल्ब के मुकाबले में आए। एक मर्तबा अली मुर्तजा जाना चाहते हैं लेकिन रसूल अल्लाह रोक देते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर रसूल अल्लाह ने ना रोका होता तो ना जाने कितने शुजाने मुसलमान इस्लाम ये कहते, वो तो रसूल अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया, वरना हम भी बताते शुजात किसे कहते हैं। जब तमाम आलम इस्लाम के शुजा अपना सर इस तरह से झुका कर खड़े हो गए जिस तरह कभी किसी को सर झुकाए नहीं देखा, तो अजीजान गिरामी ऐसे में आपने फरमाया आओ अली आओ, मेरा अमामा पहनो, मेरी अबा ओढ़ो। हजरत अली को अपनी अबा उड़ाई, अपना अमामा पहनाया अजीजाने गिरामी। और जाने के बाद कहा, जब अली मुर्तजा जा रहे थे तो फरमाया कि देखो कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है, अम्र इब्ने अब्दुवद के मुकाबले में अली इब्ने अबी तालिब जा रहा है। और अली इब्ने अबी तालिब ऐसे शुजा दुश्मन को, ऐसे बहादुर दुश्मन को जब अली मुर्तजा अपनी नीचे गिरा लेते हैं तो अब ऐसे में अजीजाने ग्रामी उसको जा मालूम था कि वो शुजात के साथ साथ वो अपने तमाम तरीके के हीले जानता था। इसने अपने आब दहन को प्रताप किया, हवा में उछाला, मौलाए कायनात ने अपना चेहरे मुबारक वापस पीछे हटा लिया। उसके बाद चाहते तो उसको कत्ल कर सकते थे, उनका हक बनता था कि अगर किसी शुजा को मैदान कताल में गिरा लिया जाए तो उसको मार दिया जाए, लेकिन अली मुर्तजा ने उसको छोड़ दिया और सारे मुसलमानों ने कहा अरे ये तो जख्मी शेर बन गया है, अब इसको कौन संभालेगा, अली आपने क्यों छोड़ दिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर अली मुर्तजा ने उस पर हमला किया और हमला करने के बाद उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए और ये बताया कि देखो जिस तरह से वो हर चीजों को 2 पहनकर आया था, जिरा 2 थी, नेजे 2 थे, तलवारें 2 थी, बस जिस तरह से वो आया था अली मुर्तजा ने उन तमाम खसूसियात के बावजूद उसके सर से लेकर पैर तक जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए और आधे लाना टुकड़े कर बताया। ऐजान ग्रामी अली मुर्तजा ने वहां पर भी दिखाया कि अली खुदा को नहीं भूलता, मैं खुदा का जिक्र मैदान कताल में उस दुश्मन के मुकाबले में भी कर रहा था कि जहां पर लोग सोचते हैं थे कि अली आपने कैसे छोड़ दिया। अली चाहते थे कि देखो उस वक्त मेरा नफ्स शामिल हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था, उसकी बदतमीजी पर गुस्सा आया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके कत्ल में मेरा गुस्सा शामिल हो, बल्कि मैं खुदा के राह में इस बात को अंजाम देना चाहता था। बस क्या था, अली मुर्तजा ने तैग को चलाया, बस जिब्रील अमीन आए, आने के बाद कहा अल्लाह के हबीब आए नबी अल्लाह आप ये ऐलान कर दीजिए,
आज जो अली ने तलवार चलाई है, ये तलवार कहते हैं कि अल ज़रबतु अली इब्न अबी तालिब मिन यौम खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन, तमाम बहुत बड़ा जुमला है, ये मामूली नहीं है। जो लोग इबादतों में अली का मुकाबला करना चाहते हैं वो इतना जान ले के हुजूर आपकी अपनी इबादत की क्या औकात है। तमाम जिन्नातों और तमाम इंसानों जब अल्लाह का हबीब किसी बात को कहता है तो आप ये नहीं समझिएगा कि इससे मुराद उस वक्त के मुसलमान हैं, उस वक्त के जिन्नात हैं, बल्कि ये कायनात रसूल के सामने खल्क हुई है, जितने भी खिलकत रसूल इस्लाम के सामने हुई और सुबह कयामत तक होगी, उन तमाम जिन्नातों और तमाम इंसानों जिनका फरीजा यह है कि वो अल्लाह की इबादत करें, जिनकी वजह खिलकत यह है कि वो अल्लाह की इबादत करें, अगर वो इबादतें भी शक शुमार कर ली जाए तो अली की उस जरबत का मुकाबला नहीं है, क्योंकि इसने इस्लाम के सर को बुलंद कर दिया, तमाम के तमाम अहजाब के सरों को झुका दिया। जितने लोग इसके मुकाबले में आए थे उन सब के सर झुक कर रह गए। ऐजान ग्रामी, ये एक सीधा सा अमल है, कि सीधा सा जो है दो और दो चार का फैसला है कि इंसानी शख्सियत को तामीर, इंसान की शख्सियत को तामीर, इंसान की जिस्मानी साख और जहनी शऊर और फिक्र के इर्तिका और अखलाकी और रूहानी अकदार से वाबस्ता होती है, कि जब इंसान अपनी शख्सियत को बनाता है तो उसकी शख्सियत साजी में उस इंसान की जिस्मानी नश्व नुमा भी होती है, रूहानी नश्व नुमा भी होती है, उसकी फिक्र का इर्तिका, उसकी तरक्की भी होती है, उसका अखलाक और उसका रूहानी इकदार कद्र मंजिलत, ये तमाम चीजें वाबस्ता होती हैं। कहते हैं कि जिस्मानी सिफात को इंसान आंखों से देखकर बता सकता है कि ये कितना शुजा है, ये कितना जिस्म वाला है, ये कितना फराग दिल है, इन तमाम चीजों को इंसान आंखों से देखकर बता सकता है, लेकिन रूहानी सिफात को जानने के लिए, रूहानी सिफात को जानने के लिए कोई आला नहीं है कि ये जान सके कि इसकी रूहानी सिफात का क्या मेयार है, इसका क्या दर्जा है। लेकिन रूहानी सिफात का मुशाहिदा हुदूद से बाहर होता है। कहते हैं कि इन्हीं उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके आसार से पहचाना जा सकता है, कि अगर किसी के आसार को देखेंगे, कहते हैं कि अगर मैं किसी से कहूं कि वो साहब बड़े पढ़े लिखे थे और वो इस इल्म के बड़े माहिर थे तो सुनने में तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उनके जमाने में नहीं हूं तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, लिहाजा उनकी कोई किताब अगर मुझे इल्मी दिखाई जाए और उस इल्मी किताब में मैं उनके इल्म के जौहर देखूंगा तो मैं ये कबूल करूंगा कि हाँ उनमें इल्मी सिफात मौजूद थे। अगर अजीजाने ग्रामी इसी तरीके से जितने भी रूहानी सिफात हैं उन रूहानी सिफात को तर्क करने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए उनके आसार को देखा जाता है, जिस तरह से खुदा को किसी ने नहीं देखा है लेकिन उसकी किताब उसके आसार से हमें पता चलता है कि वो खुदा के जो उस जमाने की बातों को भी बता रहा है कि जिस जमाने में यूसुफ और जुलेखा के बीच में दरवाजे के पीछे क्या गुफ्तगू हुई थी, उस जमाने के लोगों को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन हजारों साल बाद का कुरान में परवरदिगार आलम उन्हें बता रहा है। तो उसके आसार से उसकी जात को तर्क किया जा सकता है, उसकी सिफात को तो फिर भी नहीं पहचाना जा सकता है। मौलाए कायनात ने ये इंसानों को बयान फरमाया कि जब कभी आप देखते हैं कि कभी कह दिया जाता है कि ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह जो कह दिया जाता है, अजीजाने ग्रामी परवरदिगार आलम इंसानों को कहता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं उससे ज्यादा जिसकी उसकी ताकत है उससे ज्यादा मैं उसको तकलीफ नहीं देता हूँ। अब इंसानों को परवरदिगार आलम ने जो अपने सिफात बयान फरमाए हैं, जो अपनी जो रूहा जो बातें बयान फरमाई हैं, जो अपने कुदरत के नजारे करवाए हैं, वो उतने ही हैं जिसको इंसान देख सकता है या उनको समझ सकता है। जो चीजें समझ में नहीं आ सकती उनका तो बयान परवरदिगार आलम किस तरह से करेगा। और यही वजह है कि जहन्नम के सिलसिले में परवरदिगार आलम ने आखिरत की आयात को और जन्नत के बारे में लोगों को बताने के साथ साथ अपने नबी को मेराज अता फरमाई ताकि वो मुशाहिदा जन्नत करके फरिश्तों के सिलसिले को
मुशाहिदा करने के बाद लोगों को बता सकें कि देखो मैं यकीनी तौर पर बताता हूँ कि कयामत इस तरह होने वाली है। तो अजीजाने गिरामी, ये तमाम के तमाम और उन सिफात का अगर देखा जाए तो उन आसार को जब आप इंसान पहचानते हैं तो उस कदर ही समझ सकते हैं जितने आप समझते हैं, जितना आप जानते हैं, उससे ज्यादा इल्म जो है इंसान को हजम नहीं होता। तो परवरदिगार आलम ऐसा कोई इल्म नहीं देता कि जिसको इंसान समझ ना पाए। लिहाजा इन तमाम चीजों को समझाने के लिए किसी ऐसी कैसी जात का होना जरूरी था कि जिनको बताया जा सके कि जितनी सिफात तुमने अल्लाह की समझी हैं, इतनी सिफात, इन सिफातों को समझने के लिए तुम्हारी इतनी कुव्वत और ताकत थी। लेकिन अगर इन सिफात से बुलंद बरतर होकर अगर किसी चीज को अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो आओ उसके नबी को देखो, आओ उसके जानशीन को देखो, वो यही बताएंगे कि किस तरह से अल्लाह की सिफात को समझा जा सकता है। कहते हैं कि इंसान के आसार से उसकी हैसियत को, उसकी तरक्की को, उसके कमाल को, उसके आमाल को और उसकी उसके आसार से समझा जा सकता है। लेकिन अजीजाने गिरामी, अली मुर्तजा की जात में किसी भी इंसान में अगर कमाल के पीछे पड़ जाए तो उस कमाल को हासिल कर लेता है, लेकिन वो एक कमाल, दो कमाल, तीन कमाल को हासिल कर सकता है। उसके बाद अगर किसी में उसको उरूज हासिल है तो दूसरे कमाल में उसको नुजूल हासिल होगा, उसका जवाल होगा। लिहाजा हर इंसान हर तरह के कमाल को अपनी जात में नहीं ला सकता, लेकिन क्या कहने हैं नबी के जानशीन के कि जिसने बता दिया कि दुनिया की कोई ऐसा कमाल, ऐसा शरफ और ऐसी फजीलत नहीं है जो नबी के जानशीन में नहीं पाई जाती हो। लिहाजा मौलाए कायनात की जाते वाला सिफात को उस एतबार से आप यगाना रोजगार थे कि हर चीज अली मुर्तजा में दर्जाए अतम पाई जाती थी। अगर इल्म का मुशाहिदा करो तो वो दर्जाए अतम पर है, अगर सहावत का मुशाहिदा करो तो वो दर्जाए अतम पर है, अगर शुजात का मुशाहिदा करो तो वो दर्जाए अतम पर है, अगर किसी के मदद करने में हो तो वो इबादत को देखो तो वो दर्जाए अतम पर है। कौन सा ऐसा कमाल है, चाहे वो सब्र हो चाहे वो शुक्र हो, अली का मुकाबला नहीं हो सकता। अजीजान ग्रामी, यही वजह है कि अली की जात में तमाम कमालात को परवरदिगार आलम ने जमा कर दिया था। बेदर्जे अदम मिन जमीइल खिसाल कमाला कमाल अता फरमाए थे। इन सब का एक जा अली की जात में आना इंसान के फहम से बाला और बरतर था, लिहाजा उसने इसका इनकार करना शुरू कर दिया। अली को जिस चीजों ने इम्तियाज बनाया, मुमताज बनाया, आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया के लिए मुमताज बनाया। अली तो मुमताज ही पैदा हुए थे और मुमताज ही जिए और मुमताज ही इस दुनिया से गए, और अब भी उनकी बयान की हुई बातें लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आ रही तो उनकी जात को क्या समझा जा सकता है। कहते कि इम्तियाज, ये तमाम इम्तियाज हैं जो अली की जात में पाए जा रहे हैं, जिसने आपकी बू कलम शख्सियत को रफत इंसानी का शाहकार और कमालात महासिन का फूलों का गुलदस्ता, सद रंग और चमन सद बहार बना दिया। आप रौनक दए बज़्म थे, आप गुल भी थे और आप जलवा फराज भी थे, इस आलम अनवार में भी थे और इल्म व इरफान का जर्रीन सहीफा भी थे, हुस्न व किरदार का वरक जर निगार भी थे। मसनत कजा पर अगर बैठ जाए तो मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को सुलझा कर उठे, उनकी गिराहों को खोल कर उठे। अली के इंसाफ को देखा जाए और अगर मेहराब इबादत में आबिद शब जिंदादार भी हैं, सखावत में और फर्द फरीद भी हैं, शुजात में यकता रोजगार भी हैं, इंशाओ तफन्नुन में कलाम के सरचश्मा भी हैं और खिताबत व बयान के कलम जन भी हैं, अजीजान ग्रामी कुलजूम भी हैं, आप जो है उन तमाम सिफात में। और जब अली बोलता है तो अली बोलता है उस सलूनी कबलन तफ्तूनी, पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। अजीजान ग्रामी, यही वजह है कि खुदा वंद आलम की जात पर कोई ऐसा नहीं है कि अली की फजीलत बयान करने से जाते परवरदिगार आलम जो है वो कमतर हो जाएगी या बराबर हो जाएगी। अजीजाने गिरामी, अरे ये तो कमाल है
कि जिस नबी को लोगों ने अनपढ़ कह दिया उसका शागिर्द बनकर अली कह रहा है कि पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते हो, वो कबल सलूनी सलूनी कबलन तफ्त दूनी, पूछ लो इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। हाँ अजीजाने गिरामी, यही वजह थी कि अली मुर्तजा के जब कमालात को, अली के फन को, अली की जात को, अली की सिफात को देखना है तो आओ जरा नहज बलागा का मुतालिया करें, नहज बलागा को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि कलाम अल्लाह के बाद और कलाम नबी के बाद अली मुर्तजा का कलाम इस दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है कि ये कलाम कोई कर सके। हाँ इस कलाम की तशरीह इनके फर्जंदों ने, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक ने और दिगर इमामों ने जरूर की। और यकीन जानिएगा कि अगर अली को बगैर तासुब की ऐनक लगाए देखा जाए तो अली आपके दिल में उतर जाएगा, क्योंकि अली सिफात का नाम है, अली कमाल का नाम है, अली जज्बे कुदरत इलाही का नाम है, अली अल्लाह की लाजवाल कुदरत को बयान करने का नाम है, अली नबी करीम की जहमतों के नतीजे का नाम है, अली ईमान के दर्जे पर अपनी तमाम की तमाम इबादतों के साथ एक खूबसूरत जात का नाम है। आओ अली का मुतालिया करें। जब कहते हैं कि एक अंग्रेज ने नहजे बलागा का मुतालिया किया, अली मुर्तजा के उस खुतबे का मुशाहिदा किया, उसका मुतालिबा किया जिसमें खुतबे खिलकत के अल्लाह ने किस तरह से इस इंसान को बनाया है, जब उसने बार बार पढ़ा कहते हैं बड़े बड़े मुफस्सरीन इस बात को कहते हैं कि हम उस वक्त तक अपने आप को आलिम नहीं समझ पाए जब तक कि हमने अली के इन खुतबात को हजार हजार बार ना पढ़ लिया, उसके बाद हम कह सकते थे कि हाँ हमें कुछ समझ में आने लगा है। अजीजों कि वो जो खालिक की बातों को इंसानों में इस तरह से बयान कर रहा है कि मस्जिद कूफा का मिंबर ममलू है अली की बात से, अली के कलाम से। और जब उस अंग्रेज ने बार बार मुतालिया किया तो बस उसने अपने नतीजे मुताले को दो लाइनों में लिख कर रख दिया। उसने कहा कि देखो ये दो बातों से, दो हालों से खाली नहीं है, ये जो लिखने वाला है या तो यही इंसान का खालिक है और या फिर जब इंसान बनाया जा रहा था तो ये वहां बैठा हुआ था। इसने तमाम जरीफ नुकात को, इंसान की तमाम खिसलतों को और तरीके को बयान कर दिया। हाँ अजीजो ये कमाल नबी के जानशीन को हासिल था, अली मुर्तजा को हासिल था। अल्लाह के रसूल ने यूं ही अपना नफ्स करार नहीं दिया, कुरान की आयत की मुताबिकत यूं ही नहीं की, अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, बा कमाल जात का फहराना भी बा कमाल है। अल्लाह का रसूल अरे इनके बेटों को अपना बेटा कहता है, इनकी जोजा को अपनी जो कि उनकी बेटी है उस काफिले में निसा के उनवान से लेकर चले और खुद अली मुर्तजा को अपने नफ्स से खास बना कर लेकर चले, जो नफ्स रसूल हो, दामाद रसूल हो, शोहर बतूल हो, मुबाहले का दूल्हा हो। अजीजाने गिरामी, जो जिसके लिए अली मुर्तजा के लिए जो हजार बाब इल्म रसूल अल्लाह ने खोले, अली ने उन हजार बाबों के हर बाब को हजार हजार बार खोल कर दिखा दिया। अजीजाने गिरामी, शागिर्द उसे कहते हैं जो उस्ताद के इल्म को जाया ना होने दे बल्कि चार चांद लगा दे। अजीजाने गिरामी, अली मुर्तजा ने यही किया, आपको सूरह बरात की तबलीग करने वाला बनाकर भेजा। परवरदिगार आलम की कसीर आयात में अली मुर्तजा का उनकी सिफात के साथ जिक्र किया गया है कि लिए वो अली की जात वो है जिसके लिए सूरज को पलटना पड़ा। अजीजाने गिरामी, ये सूरज पलट जाए, अजीजाने गिरामी अगर जर्रा बराबर सूरज अपने वक्त को कम कर देता है तो दुनिया सर्दी के मारे मरने लगती है, अगर थोड़ा अपने रास्ते को बढ़ा देता है तो दुनिया गर्मी से की शिद्दत से जलने लगती है। अजीजाने गिरामी, अगर सूरज को जितने भी सितारा शिनास हैं वो ये जानते हैं और वो ये बताते हैं कि इतनी तेजी से ये निजाम चल रहा है, अगर किसी एक सैयारे में जर्रा बराबर अगर वो रुक जाए तो ये आपस में टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन सूरज पलटने के बाद टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। अजीजाने गिरामी, बात ये थी कि सिर्फ सूरज को तो
इस नमाज के हुक्म के एतबार से पलटाया गया था, लेकिन सूरज अकेला नहीं पलटा होगा, जितने भी उसकी अंजुमन में आते हैं वो तमाम की तमाम गैलेक्सी है, तमाम की तमाम गैलेक्सियों की नब्ज रुक गई होगी। जो कायनात की नब्ज को रोक दे वो अली मुर्तजा कहते हैं। अली मुर्तजा वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हक माल अली, अल हक माल अली, अल अली माल हक, अली हक के साथ हैं, हक अली के साथ हैं। जिधर जिधर अली जाएं समझना हक उधर जा रहा है। और अपने अस्हाब से भी ये फरमाया कि देखो जिस तरफ अली जाएं उस तरफ तुम रहना। उसके अलावा मोहब्बत अली को इबादत करार दिया, मोहब्बत अली को जन्नत की सनत करार दिया, मोहब्बत अली को रजाए खुदा करार दिया। उसके बाद आपके फजाइल व कमालात को बयान फरमाया, आपको जहां पर बुतराब कहकर पुकारा वहीं अमीरुल मोमिनीन के लकब से मुलक्कब फरमाया। उसके बाद जो है गदीर खुम में मौला कहकर मन कुन तो मौला फहादा अली मौला की सनत दी गई। अजीजाने गिरामी, कौन सी चीज है कि जिसको जिस रुख से अली को देखा जाए, जिस रुख से अली को देखा जा सकता है, उसको अगर देखने वाले देखते हैं कमालात अता करते हैं। अजीजाने गिरामी, हमारी और आपकी, हमारे और आपकी जात और शख्सियत के एतबार से वो फैसला देते हैं। कहते हैं कि शेख जाफर जो थे वो कुरान मजीद का मुतालिया कर रहे थे, मौलाए मुत्तकियान के हरम में बैठकर तफसीर भी किया करते थे। उनको आयत में कि अस्हाबे यमीन में ये समझ में नहीं आया कि ये किस यमीन को कहा जा रहा है, यमीन से मुराद क्या है बात है। जब परेशान हो गए तो किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत महसूस नहीं की, अली के दर पर चले गए और जरी से लिपट कर कहा मेरे आका मेरे ये आयत समझ में नहीं आ रही है, इसमें ये यमीन कौन है जिसके असहाब का ये जिक्र किया जा रहा है। एक मर्तबा शेख जाफर को मौलाए मुत्तकियान की आवाज आई कि शेख जाफर तुम तो हिसाब किताब के बड़े माहिर हो, जरा हिसाब लगा कर देख लो कि ये यमीन कौन है। अजीजाने गिरामी, शेख जाफर कुछ समझे नहीं, लेकिन जब हिसाब किताब की बात आई तो इल्मे अबजद में जाकर जब यमीन को देखा तो यमीन के अदद भी 110 नजर आए। जाफर, शेख जाफर समझ गए कि मौला आज मैं समझ गया कि आपने दुआए जो कुमेल में जो जुमला बयान फरमाया कम मिन सनाइन जमील लस्तो अहलन दहु नशरता, मेरे माबूद में ऐसा तो ना था जैसा तूने मुझे मुतारिफ कराया है। आज भी आपकी इनकिसारी को मैं समझता हूँ, आप चाहते तो कह सकते थे क्योंकि आप इस आयत में यमीन के मिज़दाक आप थे, लेकिन शेख जाफर को बता दिया कि शेख जाफर ये ना समझ लेना कि मोहब्बत में तुमने मान लिया और मोहब्बत में हमने कह दिया, अपनी फजीलत को बयान कर दिया, बल्कि समझो और तहकीक करो कि 110 से मुराद कौन है। तो बस समझ लो अगर अली है तो ये असहाब अली के बारे में बात हो रही है। हाँ अजीजाने गिरामी, अली मुर्तजा की तमाम फजाइल और कमालात का इंसान अहाता नहीं कर सकता, अली की जात को समझ नहीं सकता, लेकिन हाँ अजीजो अली मुर्तजा ने जो तकलीफें उठाई हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उन तकलीफों को आप समझ नहीं सकते। ये तमाम इमाम कहते थे कि हमारा जद अली मुर्तजा बड़ा मजलूम है, रसूलुल्लाह फरमाते थे कि अली बड़े मजलूम हैं। और यही वजह है कि जब आज अली मुर्तजा को जख्मों के साथ आज अली निढाल अपने घर पर अपने बिस्तर अलालत पर है, सरे मुबारक पर पेशानी पर पट्टी बंधी हुई है, अपनी बेटियों से गुफ्तगू करते हैं, कभी अपने बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, जब कोई मिलने आ जाता है तो अली मुर्तजा अपने चाहने वालों से बातें करते हैं, असहाब गिरिया कर रहे हैं। एक मरतबा इब्ने मुल्जिम को लाया जाता है, इब्ने मुल्जिम के हाथों को लोगों ने बांध दिया था, अली ने कहा इसके हाथों को क्यों बांधा है। कहा कि मौला ये मुजरिम है। कहा कि जिस वक्त इसने मुझ पे वार किया तो उस वक्त इसने मेरे हाथ नहीं बांधे थे। उसके बाद इब्ने मुल्जिम को पास में बिठाया, कहा अब्दुल रहमान क्या मैं तेरा अच्छा मौला नहीं था, अरे कातिल भी रो रहा है, आ मौला मुझसे गलती हो गई। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा से फरमाया कि अरे हसन मुश्तबा अगर मैं बच गया तो मैं शायद इसको माफ कर दूं, लेकिन अगर इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हारा हक है कि तुम इससे क़िसास लो, लेकिन मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि अगर तुम इससे क़िसास लो
तो इस पर हद जारी हो तो एक बार से ज्यादा ना करना, क्योंकि इसने मुझ पर एक बार किया है। अजीजो, जो अपने दुश्मन के साथ इस तरीके की गुफ्तगु करे, अपने दुश्मनों के साथ इस तरह से बर्ताव करे, उसके बाद मेरे मौला ने वसीयतें करनी शुरू की। अजीजान गिरामी, परिंदों के बारे में बताते हैं, अय हसन मुश्तबा घर की मुर्गाबियों को आजाद कर देना। अय हसन मुश्तबा, अरे ये बेजबान हैं, इनको वक्त पे या तो दाना और खाना देना वरना इन्हें आजाद कर देना। अय अपने बच्चों से कहा, अबुल फजल अब्बास से, अय बेटा अब्बास मैंने जो जिम्मेदारियां सौंपी थी, जाओ असर का वक्त हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ अजीजो ये वक्त वो आया कि जब किस कूफे के न जाने कितने भूखों ने यह एहसास किया कि आज थोड़ा वक्त हो गया है, हमारा मोहसिन हमारे पास नहीं आया। हाँ अजीजो, यतीमाने कूफा को एहसास हो गया, अरे हमारा मोनिसो मददगार इस दुनिया से जाने वाला है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। उसके बाद मौला ने अपने चाहने वालों को रुख्सत किया, ज़ैनब और कुलसूम को बुलाया, दोनों बेटियों से गुफ्तगू की, उनको सब्र की तलकीन की। हाँ अजीजाने ग्रामी, ये अली है, फातिमा जहरा ने जर यकीनन जन्नतुल बकी को छोड़ दिया होगा, रसूल खुदा ने अपने मदवन को छोड़ दिया होगा, अरे अपने जख्मी शौहर और अपने जख्मी दामाद को देखने के लिए, अरे बतूल पैगम्बर खत्मी मर्तबत आ गए। अरे अली, अरे इस जालिम और शकी ने आपके साथ किया। अली ने कहा कि क्या मैंने किसी के साथ ऐसा किया था कि जो तुमने मेरे साथ किया। इस जख्मी हालत में भी अली अपने रब से राज और नियाज की मंजिल में है। बेटियां रो रही है, हसनैन रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, अली मुर्तजा याद इलाही में मसरूफ है। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بارِ لَا تُجھے وَاسْتَى محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما بارِ لَا تُجھے وَاسْتَى محمد و آل محمد کا جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما میرے معبود جہاں جہاں بھی علی مرتضیٰ کا ذکر ہو رہا ہے ان کے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کو ان کے خلیفہ کی عزا کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے معبود عالم انسانیت کو اس علی جیسی ذات والا صفات سے آشنا ہونے کی توفیق عنایت فرما اس بیماری اس امتحان اس بلا اور اس آزمائش سے انسانیت کو نجات عطا فرما میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین عزیزان گرامی کل شب قدر دوسری شب قدر ہے تین میں سے تو اس میں غروب آفتاب کے قریب آپ اس کا غسل ہے کہ غسل اعمال شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ جس طرح سے آپ غسل جمعہ اور دیگر غسل کرتے ہیں اسی طرح سے اس غسل کو کیا جا سکتا ہے ہاں روزے کے حالت میں جو ہے حوض میں نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے شب جمعہ بھی ہے دو رکعت نماز زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور یہ دونوں نمازیں عام طرح سے پڑھی جائیں گی تیسری دو رکعت نماز جو ہے وہ اعمال شب قدر ہے لہذا آپ دو رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں ایک الحمد اور سات مرتبہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کر کے آپ اعمال کے لیے کل مجلس کے بعد انشاءاللہ اعمال ہوں گے آپ حضرات سے التماس ہے کہ تمام بیماروں کا خاص طریقے سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا بالخصوص جن مومنین مومنات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا گیا ہے بالخصوص سسٹر صائمہ بالگرامی اور دیگر جتنے بھی مومنین مجھے نام ان کے نہ یاد نہیں آ رہے ان کو شفاء کلی کاملہ اور اس مولانا عمار حیدر صاحب ان سب کو کرونا کی اس شدید بیماری سے نجات عطا فرما ان کو شفاء کلی کاملہ اجلہ عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सलाम अलैहि या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैहि या हबीब अल्लाह, सलाम अलैहि या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैहि या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खातमुन नबीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैहि मौलाना अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैहि मौलाती फातिमा अज़्ज़हरा सैयदत निसाए आलमीन, अस्सलामु अलैहि मौलाना हसन इब्न अली हुसैन इब्न अली अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर इब्न मोहम्मद मूसा इब्न जाफर अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल मुंतज़िर अल महदी अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत अल ज़मान अहसन अल्लाह लक अल अज़ा फी जद्दिका अमीर अल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।